हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन सर सभी विद्यार्थियों को मैचलेस स्टडी सेंटर की ओर से यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास यानी वर्ग जो है टेंथ के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर चला हूं। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में त्रिकोणमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति त्री मीन्स होता है तीन, कोण मीन्स होता है कोण, मिति मीन्स मापना। कहने का अर्थ है कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज की मापना। जो त्रिभुज की मापन करता है उसी को कहते हैं त्रिकोणमिति का एक शॉर्ट अर्थ हुआ। अब इसी का अगर विशेष डिटेल्स में अगर डिफिनेशन पूछना चाहता है तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का जो परिभाषा है, गणित की वह व्यवहारिक शाखा है जिसमें किसी त्रिभुजों के तीनों कोणों के मापन के संबंध में अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। एक बार और रिपीटेशन कर रहे हैं, गणित की वह व्यवहारिक शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के मापन के संबंध में अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का जो अध्ययन होता है, स्टडी होता है, हमेशा जो है समकोण त्रिभुज में होता है, यानी त्रिकोणमिति। आप लोग अगर नहीं समझे हैं तो दोबारा उसको पीछे बैक करके देख करके फिर समझ सकते हैं। त्रिकोणमिति का स्टडी हमेशा जो है समकोण त्रिभुज में होता है, यानी समकोण त्रिभुज में होता है। त्रिकोणमिति का पिता जो है, फादर ऑफ त्रिकोणमेट्री कौन है? हिपार्चस है। यानी आप लोग हम बताएं कि समकोण त्रिभुज, पहले समझ जाए कि समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए, और इसके आगे समकोण त्रिभुज का हम चित्र बना चुके हैं, उसके बारे में समझना है। देखिए, यहाँ हम ए बी सी एक हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाए हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री का है तो समझेंगे समकोण त्रिभुज है। जो किसी भी कोण के अगर सामने हम कोई अगर थीटा कोण बनाते हैं, चाहे ए लिखते हैं, किसी के सामने जो जो कोण बनता है उसको लंब कहते हैं और नीचे वाले को आधार कहता है। किसी भी त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो कर्ण को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? देखिए, कर्ण को एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस मीन्स होता है कर्ण। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर जिसको लंब कहते हैं। बेस जिसको कहते हैं बी का मतलब होता है बेस, आधार कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसमें समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज जो है, जो सामने का ठिट्टा बनता है तो उसके सामने वाला लंब कहलाता है, जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण कहलाता है, नीचे वाला आधार कहलाता है। अगर हम कोण सी के लिए चलते हैं, कोण सी के लिए, तो ए बी क्या हो गया? लंब हो गया। ए बी क्या हो गया? लंब हो गया। ए सी क्या हो गया? कर्ण हो गया। इसको जिसको P से संक्षिप्त में करते हैं, इसको S से करते हैं। और जो है BC जो आपका है आधार हो गया, जिसको B से सूचित करते हैं। अब देखिए, लंब कर्ण आधार, अगर कोई पूछ दिया कि लंब क्या है, तो किसी त्रिभुज में जो सीधा खड़ा होता है, जिस पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसको लंब कहते हैं, कर्ण कहते हैं। किसी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। आधार किसे कहते हैं? जो जमीन का बेस होता है, तल होता है, उसको आधार कहते हैं। अब चलेंगे, अब मान लीजिए कि फिर देखिए एक बार और पूरा समझ जाइए। अगर हम कोण ए के लिए चलते हैं तो कोण ए के सामने वाले जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा, तो लंब कौन हो जाएगा? बी सी जो है इसमें लंब हो जाएगा, जिसको पी से सूचित करते हैं।
और कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण कोई चेंज नहीं होता है, ज्यों का त्यों रहता है। आपका आधार जो हो जाएगा ए बी हो जाएगा, जिसको बी से सूचित करते हैं। अब देखिए इसमें फॉर्मूला तैयार होता है कि लम क्या है, कर्ण क्या है। तो लम का मतलब होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लम के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, यानी इसको सूचित करते हैं कुछ इसे एच के स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके आगे फिर चलते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एच बराबर हो गया आपका पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए आगे, अब कोई पूछ दिया कि लंब के लंब बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब के स्क्वायर बराबर होता है इस साइड में प्लस इस साइड में लाइन, क्या हो गया कर्ण के स्क्वायर, अब माइनस क्या हो गया आधार के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अब पूछ दिया कि लंब रहे क्या हो गया पी के स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आगे लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब दो चीज बता दिए लंब और क्या बता दिए कर्ण। अब देखिए आधार, आधार के स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण की स्क्वायर माइनस लंब की स्क्वायर, यानी P बराबर हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका हो गया B के स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। अब देखिए आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, या b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए आप लोग फिर से एक बार समझ जाइए, कहता है कर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनियस, जिसको कर्ण कहते हैं। p का मतलब होता है परपेंडिकुलर लंब, b का मतलब होता है बेस आधार। आप लोग को हम फिगर में बताएं कोण सी के लिए जो सामने वाला कोण होता है वो लंब होता है, आधार जो होता है बीसी हो गया आपका, कर्ण जो हो गया एसी हो गया। कोण ए में अगर चलते हैं तो सामने अगर यहाँ ठिट्टा बनता है, इसके सामने अगर कोण बनता है तो ये सामने वाला जो भुजा होती है वो लंब हो जाती है, कर्ण जो ज्यों का त्यों रहता है और ये भी आधार ज्यों का त्यों रहता है। अब देखिए इसमें फॉर्मूला तैयार हुआ, कोई पूछे कर्ण क्या है, तो लंब के स्क्वायर और किसी त्रिभुज किसी समकोण त्रिभुज में लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल को कर्ण के स्क्वायर कहते हैं, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, जिसको एच से सूचित करते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण बराबर होता है फिर रूट अंडर स्क्वायर है तो इसको रूट में ले गए हैं लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब लंब ए स्क्वायर बराबर फिर देखिए कर्ण के बारे में बता दिया, अब लंब देखिए लंब स्क्वायर बराबर हो गया कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर इपड़ी प्लस है इपड़ी लाए तो क्या हो गया माइनस आधार के स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उसी प्रकार देखिए लंब बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के, यानी पी बराबर हो गया एच स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर। अब देखिए आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, यानी हो गया बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, आधार बराबर होगा रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, यानी बी बराबर एच स्क्वायर माइनस
पी स्क्वायर। अगर कहीं भी दिक्कत है, कोई भी त्रुटि है, दोबारा जो है इसको रिपीटेशन करके के समझिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो, कोई भी कठिनाइयां नहीं होगी, इसलिए आप लोग बढ़िया से समझिएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए और इसके आगे अब देखिए आगे आप लोग को बता दिए कर्ण आधार और लंब के बारे में। अब देखिए त्रिकोणमिति, इसके आगे देखिए त्रिकोणमिति निष्पत्तियां या अनुपात जिसको बोलते हैं, यानी त्रिकोणमेडिकल फंक्शन और या रेशियो कह सकते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का अध्ययन करने के लिए जिन पदों की आवश्यकता होती है, उसे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां अनुपात कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए डेफिनेशन, किसी समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का अध्ययन करने के लिए जिन पदों की आवश्यकता होती है उसे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या अनुपात कहते हैं। और आप लोग से पूछ देगा कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग सीधा बताइएगा कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। तो बोले कौन कौन होते हैं, पहला बोल रहा है साइन। साइन का अर्थ होता है जया, इसको जिसको संक्षिप्त रूप यानी ब्रीफली बोलते हैं उसको साइन। कोसाइन जिसको कोजया होता है, जिसका संक्षिप्त रूप होता है कॉस। तीसरा होता है टैंजेंट, जिसका होता है हिंदी स्पर्श जया, जिसको टैन। ये तीन जो होता है मेन रूप से होते हैं, और बाकी जो कोसकेंट होते हैं, फाइव में जो है सीकेंट होते हैं जिसको सेक कहते हैं, कोटेंट कहते हैं जिसको कोट कहते हैं, ये सब तीनों जो है इसका कोई अर्थ जानना जरूरी नहीं होता, ये अर्थ नहीं होता। इसका अर्थ जो है तीन गो का ज्यादा लेके चला जाता है। इसलिए त्रिकोणमिति निष्पत्तियां अगर आप लोग समझ जाते हैं तो त्रिकोणमिति का हर मैथमेटिक्स आप बना सकते हैं। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां जानना बहुत जरूरी है। आप लोगों को पता है कि साइन का शॉर्ट में लिखते हैं साइन, सीन ऐसे सीन लिखा था, लेकिन ये सीन में अंग्रेजी में जाइएगा तो सीन बने होता है पाप, लेकिन यहां अर्थ होता है साइन पढ़ना है। कोसाइन जिसको कोजया होता है कॉस होता है। टेंजेंट जिसका जो अर्थ होता है स्पर्श जया, उसका संक्षिप्त टैन होता है। कोसकेंट जिसका शॉर्ट रूप होता है क्या, कॉस। अब देखिए सीकेंट जिसका जो है शॉर्ट रूप होता है शेक, और कोटेंजेंट जिसका अर्थ होता है कोट। अब आप लोग को मालूम है कि साइन क्या है, देखिए साइन, ये साइन आप लिखते हैं तो बिल्कुल राइट है, लेकिन अगर आप खाली इस तरह का शॉर्ट में जो फॉर्म में लिखते हैं साइन, बिल्कुल रॉन्ग है। कहे कि किसी भी अगर जो है निष्पत्तियां, किसी 6 निष्पत्तियां के साथ अगर जो है कोई कोण नहीं लगाते हैं, थीटा रहे, बीटा रहे, अल्फा रहे, गामा रहे, कोण ए रहे, ए से लेके जेड तक उसमें लगा होना बहुत जरूरी है। इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते, साइन थीटा हमेशा गुणनफल में नहीं रहता है, साइन गुने थीटा लिखना रॉन्ग है, ठीक है। चाहे तो लिख सकते हैं थीटा गुने साइन, ये भी लिखना रॉन्ग है। ये सीधा क्या होता है, कोण को इंडिकेट्स करता है, थीटा जो है कोण को इंडिकेट्स करता है कि कैसे होगा। आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते जाएगा, पीछे दिक्कत होगा समझते जाइएगा। अब देखिए कोई पूछेगा साइन थीटा क्या है, कोई आपसे पूछ दिया कि साइन थीटा क्या है, देखिए तो साइन थीटा क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं, यानी कहने का मतलब कि साइन थीटा बराबर लंब रेशियो कर्ण, यानी हो गया लंब बटे कर्ण, जिसको लंब से पी से सूचित करते हैं, इसको एच से करते हैं, यानी क्या हो गया पी अनुपात एच। उसी तरह आप कॉस थीटा कहते हैं किसी समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं, कॉस थीटा कहते हैं, यानी आधार बटे क्या हो गया कर्ण हो गया, जिसको कहते हैं बी बटे एच, बी अनुपात
एच। अब कहते हैं टेन थीटा, टेन थीटा क्या है, लंब अनुपात आधार, यानी किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा कहते हैं, यानी हो गया लंबाई आधार, जिसको कहते हैं पी बटे बी, यानी पी अनुपात बी। अब देखिए ये आपको बता दिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, अब इतना जो है आप लोग देखिए और इसको समझिए और कहीं दिक्कत है तो बोलिए। अब देखिए इसके आगे बता रहे हैं, अब देखिए आपका जो फॉर्मूला बता रहे हैं लंब बटे कर्ण, आप देखिए साइन का उल्टा होता है कौशिक, याद रखिएगा कौशिक, कौशिक थीटा क्या है, तो इसको अपोजिट कर लीजिए कर्ण अनुपात लंब, यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी क्या हो गया कर्ण को क्या से सूचित करते थे एच से, यानी एच अनुपात पी हो गया। अब कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा होता है, हमेशा याद रखिएगा साइन का उल्टा कौशिक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण अनुपात आधार, यानी हो गया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार एच बटे बी, यानी एच अनुपात बी। अब हो गया उसके बाद टेन, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा जो होता है ये हो गया आपका आधार अनुपात लंब, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो यानी आधार कितना है, आधार को क्या समझो बी बटे पी, यानी पी अनुपात क्या हो गया पी। कहने का अर्थ है इसको हम एक चार्ट बना रहे हैं, उस चार्ट के द्वारा आप लोग याद कर लीजिएगा, यानी साइन थीटा बराबर हो गया क्या हो गया पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर हो गया बी बटे एच, टेन थीटा बराबर हो गया पी बटे बी। अब देखिए इसका अपोजिट उल्टा, जिसको रिवर्स बोलते हैं उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक होता है, कौशिक थीटा बराबर एच बटे पी। अब हो गया आपका कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर एच बटे पी। फिर आपका होता है टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, इसका उल्टा होता है बी बटे, यानी इसका उल्टा होता है। अब देखिए आप लोग को हम बताएं कि साइन थीटा, एक बार और दोबारा रिपीटेशन है, साइन थीटा, साइन थीटा अगर कोई पूछेगा साइन थीटा क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। कॉस थीटा किसी समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा कहते हैं, यानी टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण बी बटे एच, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार पी बटे बी। अब देखिए इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कौशिक, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब के अनुपात को कौशिक थीटा कहते हैं, कौशिक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब। उसी प्रकार कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार के अनुपात को सेक थीटा कहते हैं, यानी कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, यानी किसी समकोण त्रिभुज में आधार और लंब के अनुपात को थीटा कहते हैं। अब देखिए ये जो आपका चार्ट बनाए डायग्राम जो बना, इसमें याद रखना है साइन थीटा
साइन थीटा बराबर पी बाई एच, इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा एच बटे पी। ये हो गया कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, इसका सेक थीटा उल्टा हो गया एच बटे पी, उलट दिए। टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, इसका उल्टा क्या हो गया कॉस थीटा। अब देखिए ट्रिक्स, देखिए इसका क्या ट्रिक्स होता है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर होता है पी बाई एच हो गया, ये बी बाई एच हो गया, ये आपका हो गया पी बटे बी। इसका ट्रिक्स देखिए, इसका ट्रिक्स होता है पी से हो गया पाकिस्तान और बी से हो गया भूखा और पी से हो गया आपका प्यासा, एच से हो गया आपका हिंदुस्तान, एस से हो गया हरा और बी से हो गया भरा। कहने का मतलब हो गया कि इसको याद करने का तरीका है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा, याद हो गया। तो पूरा त्रिकोणमितीय जितना भी निष्पत्तियां अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो सब का आपका याद हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, यानी कहने का मतलब हो गया आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। कहने का मतलब पाकिस्तान का मतलब पी का मतलब हो गया पाकिस्तान, एच का मतलब हो गया हिंदुस्तान, पी का मतलब हो गया भूखा, एच का मतलब होता है हरा, पी का मतलब हो गया प्यासा, मतलब क्या हो गया प्यासा, और बी का मतलब क्या होता है भरा। यानी कहने का मतलब कि आपका छह को जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपका एकदम जो है शॉर्ट ट्रिक्स, एकदम हॉट ट्रिक्स है कि कैसे याद करेंगे। खाली याद कर लीजिएगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा, तो छह त्रिकोणमितीय अनुपात आपका ज्ञात हो जाता है। इसलिए कहीं से दम दिक्कत नहीं है, आपका लॉन्ग टूर से बता दी है, शॉर्ट टूर से बता दी। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।